हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बेसिक पेंसिल्स के बारे में। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि HB, 2B, 4B ये क्या होते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है सचिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब इट। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस, सबसे पहले हम पेंसिल्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी पेंसिल डार्क चलेगी या कौन सी पेंसिल लाइट चलेगी, उसके लिए हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ है HB। ओके, इसका फुल फॉर्म है हार्ड ब्लैक। ओके, तो ये बताएगा आपको कि कौन सी पेंसिल कितनी हार्ड है और कौन सी पेंसिल कितनी ब्लैक है। तो ये रेगुलर कुछ पेंसिल्स हैं। तो देखिए, जैसे ये एक HB की पेंसिल है, तो इसमें हार्डनेस भी है एंड ब्लैक भी है, तो एक तरीके से ये एक न्यूट्रल पेंसिल है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये पेंसिल जो है ये 10B की पेंसिल है, तो ये पेंसिल इस पेंसिल के 10 टाइम ब्लैक है। देखिए कैसे, ये मैंने चलाई और उसी ही प्रेशर के साथ अगर ये पेंसिल चलाऊंगा तो ये ज़्यादा डार्क चलेगी, और इसकी लेड भी आपस में देखेंगे तो इसकी बहुत मोटी होगी और इसकी पतली होगी। तो ऐसे ही और भी पेंसिल होती हैं, जैसे कि HB हो गया अपना, तो HB अपनी न्यूट्रल पेंसिल हो गई, ठीक है। तो अगर इसके और डार्क शेड की हम लोगों को पेंसिल चाहिए तो हम लेंगे 2B, इससे भी ज़्यादा 4B, 6B, 8B, 10B। ओके, तो ये कुछ पेंसिल्स हैं होती हैं जो काफ़ी नॉर्मल पेंसिल हैं और ये इजीली मिल जाती हैं। और हमें इस हार्ड पेंसिल चाहिए तो हम लेंगे 1H, 2H एसेट्रा। ओके, तो हमें इन पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन पेंसिल्स से हमारा काम अच्छा खासा चल जाता है। ओके, तो ये आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं, ये हमें मिल जाएंगी कुछ 100 रुपये के आसपास। ऑफलाइन लेंगे जाके दुकान पे तो हो सकता है सस्ती भी मिल जाए। तो ये एक तरीके से सबसे बेस्ट ब्रांड है बिगनर्स के लिए, आप ये इस्तेमाल कीजिए। और भी ब्रांड्स हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, पर उन पर नहीं जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है। तो एक बार ही आपको चला के दिखाएंगे कि HB से 10B में क्या अंतर होता है। तो HB लेते हैं, ये रहा अपना HB। तो ये सबसे ज़्यादा ड्राइंग के काम में आती है, तो कोई भी ड्रॉ करेंगे तो उसके काम में ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2B है, ड्राइंग के काम में ये भी आती है, लेकिन इससे अगर हमें कोई लाइट टोन देनी है तो इससे हम दे सकते हैं, वो HB से थोड़ी और डार्क टोन होगी, आगे 10B से लाइट टोन होगी। तो फिर अभी देखते हैं 4B, 6B, 8B, 10B। तो देखा आपने कि शेड्स जो हैं वो डार्क हो जा रहे हैं। अब हमें किसी भी अपनी ड्राइंग का एक एरिया ज़्यादा डार्क करना है, तो वो HB से 2B से नहीं हो सकता, 4B से नहीं हो सकता। हाँ, अगर उतना ही चाहिए, आप एक्सपीरियंस करेंगे जब अपना काम करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ HB, 2B, 4B, 6B समझ आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं है, बस हमें जब चीज़ें पता नहीं होती तो हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं। अब आप वर्क कीजिए और समझिए कि HB, 2B, 4B कितनी डार्क चलती हैं। और इन पेंसिल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।